हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि हम लोग मशीन की स्पीड को कैसे कंट्रोल करें। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए तीन मशीनें लेके रखी हैं। आप चाहें तो किसी भी मशीन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे तो उसको तेज चलाइए या फिर धीरे चलाइए, और इसको करना बहुत ही आसान है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। मशीन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए। पहला तो रेगुलेटर, दूसरा सॉकेट, तीसरा वायर। यहाँ पर जो मैंने रेगुलेटर लिया है वो मैंने 2000 वॉट का लिया है। ये देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ, 2000 वॉट का रेगुलेटर है। आप चाहें तो 1000 वॉट भी ले सकते हैं या फिर 2000 वॉट का भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने सॉकेट लिया है, ये मैंने लिया है 6 एम्पियर का। 6 एम्पियर में आप 600 वॉट, 700 वॉट, 900 वॉट, 1000 वॉट तक की मशीन चला सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा वॉट की चलानी है तब आपको 16 एम्पियर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको एक दो बातें और क्लियर कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, कि ये जो रेगुलेटर है ये पंखे का रेगुलेटर नहीं है। जिन भाइयों को थोड़ा वॉट में कन्फ्यूज़न होता है या समझ में नहीं आता है, उनको आसान हो जाए उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको दुकानदार को बोलना है कि कूलर का रेगुलेटर दे दो, तब आपको ठीक रेगुलेटर मिल जाएगा। अब ये 6 एम्पियर और 16 एम्पियर क्या होता है, देखिए 6 एम्पियर वो सॉकेट होते हैं जिसमें हम अपने मोबाइल चार्ज करते हैं या फिर टीवी चलाते हैं, और 16 एम्पियर वो होते हैं जिसमें हम एसी चलाते हैं या फिर मिक्सर चलाते हैं। तो अगर आप 16 एम्पियर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो 1000 वॉट से कम की मशीनें 6 एम्पियर में चल जाती हैं। तो चलिए अब हम करते हैं अपने कनेक्शन। ये हमारा रेगुलेटर है, ठीक है, और ये हमारा सॉकेट है। तो ये दो वायर में से कोई भी एक वायर आप सॉकेट में से, इन दोनों में से किसी एक पिन में जोड़ देंगे। अब हमको हमारे वायर्स जोड़ने हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे कि ये जो काला वाला वायर है इसको आप इस वाले पॉइंट में लगा देंगे। इसको जरा मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, लगा दिया, ठीक है। ग्रीन वाला तार अगर आपके पास नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे अर्थिंग का तार होता है। अगर आप डबल वायर ले रहे हैं लाल और काला तो भी आप कनेक्शन हो जाएंगे, मगर यदि आप ग्रीन वाला वायर लेंगे तो अच्छा है क्योंकि ये अर्थिंग का काम करता है। काला तार ऐड करने के बाद मेरे पास अब दो तार बचे हैं, ग्रीन और रेड। अब मैं रेड वाले तार में ये रेगुलेटर का जो बचा हुआ तार है इसको जोड़ देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है रेगुलेटर के तार से। अब ये जो ग्रीन वाला है ये मैं ऊपर वाले पॉइंट में लगा दूंगा जो कि अर्थिंग का है। जब आप लोग ये सब कनेक्शन करें तो इनको अच्छे से सॉकेट को सॉकेट बॉक्स में लगाइए और इसको किसी प्लाई में फिट करिए अच्छे से। मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके लिए मैं इनको कहीं भी फिट नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मैं आपको ऑन करके और टेस्टिंग करके बताऊँगा कि ये कैसे काम करता है। अब हम करते हैं अपनी मशीन को टेस्ट। इसको ज़रा मैं लगा लेता हूँ सॉकेट में। ये है हमारा रेगुलेटर, इससे स्पीड हमारी तेज होगी और फिर इससे स्पीड हमारी कम होगी। और मैं इसमें कर लेता हूँ अपने एयर ब्लोअर के कनेक्शन। तो अब मैंने इसको ऑफ करके रखा है, मैं मशीन चला रहा हूँ, देखिए नहीं चल रही। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए, देखिए आपने आवाज़, ये मैंने फुल स्पीड में चलाया है। अब मैं इसको दबा के इसकी स्पीड बढ़ाते जाऊँगा, आप आवाज़ देखिएगा। देखा आपने कितने अच्छे से हमारी एयर ब्लोअर की स्पीड कंट्रोल हो गई है। तो अब मैं एंगल ग्राइंडर को स्टार्ट करके लॉक कर देता हूं। ये देखिए, ये मैंने लॉक कर दिया है। अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो एंगल ग्राइंडर चालू होगा। पहले हम इसको धीरे चलाएंगे फिर तेज। ये मैंने आपको सिर्फ स्पीड टेस्ट करने के लिए दिखाया है कि मैंने अपना हाथ भी रखा है तो स्पीड स्लो है, बट आप ऐसा मत करिएगा। अगर आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो ये सब रिस्क लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। अब हम करते हैं इसकी ओरिजिनल स्पीड टेस्ट।
हमने कितनी आसानी से अपने रेगुलेटर से मशीन की स्पीड को कंट्रोल किया। हम चाहे तो स्पीड बढ़ा भी सकते हैं या फिर स्पीड घटा भी सकते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। एक बात और, यदि आपको मशीन या फिर टूल से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।